वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजा डियर व्लॉग्स। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, गला भी लगभग रिकवर हो ही चुका है। मैं शायद ठंडी चीज़ें खा सकता हूँ, फिर भी मैं रिक्स नहीं ले रहा हूँ। खाने में बना है खिचड़ी, क्योंकि कुछ दिन क्या हमारा तो बद्दी खिचड़ी है भाई। कुछ दिन क्या, मेरी मम्मी तो दिन में वैसा ही खाना बनाती है जो जुगाड़ से कुछ भी बन जाए, जो फटाफट बन जाए वही बना देती है मेरी मम्मी तो। फिलहाल मुझे जल्दी से खाना खाना है, दिन के बज गए, शायद एक बजने वाली है। और मुझे आज अपनी टेबल को छोटी भी करवानी है, उसका रीज़न मैं तुम्हें रुको में बताता हूँ क्यों करवानी है। तो सीन ये है कि जब अभी मैं गेम खेलता हूँ, अभी जब मैं खेलता हूँ तो मैं इस हाइट ऐसे खेलता हूँ, इस हाइट पे। और अगर मुझे अपने पैरों को रेस्ट देना है तो मुझे इस कुर्सी को आगे लेना पड़ता है, ताकि मैं अपने पैर इसके ऊपर रख सकूँ रेस्ट करने के लिए, इस तरह लंबे रख सकूँ। पर इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि लंबे टाइम के लिए ये सही चीज़ नहीं है यार, क्योंकि गेमिंग करने के लिए 4-5 घंटे चाहिए होते हैं तुमको, 4-5 घंटे तुम्हें बैठे रहना है, और 4-5 घंटे तुम जब इसी पोजिशन में रहते हो तो पैर अकड़ जाते हैं फिर से। तो उसके लिए होता क्या कि गेमिंग जो ये गेमिंग चेयर होती है उनकी हाइट छोटी ही होती है, ताकि ये देखो ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, वैसे अभी दिखाई ना मैंने, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये सबसे नीचे ये है। जब इसको नीचे रखता हूँ सबसे नीचे ऐसे, अब जिस पोजीशन में अभी है तो उस पोजीशन में मेरे पैर जो है वो आराम से ज़मीन पर टच कर रहे हैं, आराम से बिल्कुल बढ़िया। पर इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जब मैं गेम खेल रहा हूँ कीबोर्ड माउस तो मेरे हाथ इस तरह है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है गेमिंग के लिए कि तुम्हारा हाथ इस तरह फैले हुए रहे। और मेरा मानना ये है कि चेयर और टेबल की हाइट ऐसे एडजस्ट होनी चाहिए तुम्हारी कि तुम्हारी ये कोहनी जो है, ये कोहनी को जब तुम इस तरह रखो रेस्ट पोजीशन में तो जो हाइट बन रही है उसी हाइट पे तुम्हारी टेबल रहनी चाहिए, ताकि तुम्हारा माउस आराम से तुम मूव करा सको बिना किसी झंझट के। तो अभी अगर मैं यहाँ रहूँ, सॉरी तो अभी अगर मैं इस हाइट पे हूँ और अभी तो मेरे टेबल पे हाइट इस तरह है, ऐसे करना पड़ता है, तो मुझे इतनी छोटी करवानी पड़ेगी कि मेरी कोहनी जो है ये दिख रही है यहाँ से, इतनी कटवानी पड़ेगी लगभग इतनी हाइट छोटी करवानी है। समझ गए कॉन्सेप्ट कि क्या रीज़न है इस टेबल की हाइट को छोटा करवाने का। पर उससे पहले मुझे एक काम करना है, ये देख रहे हो ये भाई साहब, ये कबूतर और कबूतरी, अब इन्होंने यहाँ घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये तो कोई सामान लाया, पत्ता लेके आ गया। हाँ जी, अब तो क्या है, अपना बेड भी बना लोगे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा इनको यहीं पे क्यों घोंसला बनाना है, कहीं और क्यों दिमाग। अरे यार, मेरे को लगता है ये कबूतरी जो है ये अंडे देने वाली है कुछ टाइम में, इसीलिए इनको इतनी जल्दी हो रही है घोंसला बनाने की। सुबह मेरा गेट बंद था फिर भी जबरदस्ती घुस रहते ये। सब इसकी गलती है, घर बना नहीं है और बच्चे पहले करने हैं इसको, कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं करा इसने, मेरे को कुछ करना पड़ेगा अब इनके लिए। ये है तैयार उनके लिए छोटा सा ट्री हाउस, अब इसको मैं ये देख कहाँ जा रहे, देख इसको इसको लगा खाली है घर, रुक जाओ। अब मुझे तो बस एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि मैं इसको अच्छे से अरेंज कर पाऊँ। ये इस लास्ट पीस के साथ अब इस तरह से ये झूलेगा नहीं, क्योंकि भाई कबूतर का वजन भी आ गया तो ये इस तरह से बैंड नहीं होगा। ये बन गया हमारा उनके लिए नया ओयो तो नहीं है, उनका घर ही है यार अब ये, पर अगली बार इसको हटाना पड़ेगा जल्दी। अब बस वो इतने समझदार हो कि वो समझ जाए कि उनको उसमें रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा इसी को मेरे कमरे में आने के चक्कर में वो बाहर ही रहे। माँ तो है ही नहीं यहाँ पे, चल्लू गैस छोड़ के चली गई मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ। वो
ब्लॉग के टाइमलाइन की तैसी की तैसी हो गई। और ये मत देखो कि मेरे बाल कैसे कट गए बीच ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग अब 2 दिन बाद कंटिन्यू हो रहा है क्या, क्योंकि टाइम ही अब मिला वापस शूट करने के लिए। एक तो क्या होता है, नहीं होता क्या है, जब आप जुगाड़ से कुछ काम कर रहे हो ना तो टाइमिंग बैठना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ की, कि जब जुगाड़ से काम चल रहा है आपका। तो ये टेबल कटवाने का वाला काम है मैं जुगाड़ से करवा रहा था, मेरे एक दोस्त का दोस्त है उसकी दुकान है वेल्डिंग मशीन और कटिंग की, तो उसने कहा था कि मैं मेरे पास आ जाना मैं करवा दूंगा। तो उस चक्कर में वो टाइमिंग बैठने में 2 दिन लग गए कि वो बोल रहा कि नहीं आज फ्री नहीं हूँ, आज फ्री नहीं हूँ। तो आज उसको दिन मिला कि हाँ आज आ जा, और आज उसने जब बोला है तो मेरे पास टेम्पो नहीं है इसको ले जाने के लिए। ये देखो फिर उसी का फ़ोन आया जी, ये करवाया था टेम्पो का तो जुगाड़ हुआ नहीं गाइस हमको, तो अब देख रहे हैं हम देसी जुगाड़ भी करना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ, तो हम करने वाले हैं हम खतरों के खिलाड़ी। का ही थोड़ी चलाई गाड़ी, गाड़ी में चलो या तू चलाई नहीं मांग, गाड़ी तो चल जाए तू पकड़ ले। 100 रुपये बचाने के चक्कर में कितना कुछ करना पड़ रहा है। नहीं देख तू बैठ जाऊँ दो, मैं नहीं बैठ दो मैं गाड़ी चलाऊँ, ओ ओ भारी आदमी वो पकड़ ले इन्हें। नया तो भी पता है नया जीजी, तीनों जीजी तो बार सो ही है नहीं, चीनी तो थोड़ा सो जाओ थानू डिस्टर्ब नहीं करा मैं, ठीक है उल्टी मत बैठ, उल्टो मत बैठ, पकड़ नहीं पाई, अरे नहीं बैठ पाए उल्टो, अरे ठीक नहीं पाई, इन्हें बीच में रख रख, अरे बीच में रखो थे और एक बीच में बैठ गोलिया तू कंफर्टेबल, अरे उड़ा दे यार अंदाजो के राखो। गाइस दोस्ती पे जुगाड़ का काम तो टाइम लगा के ही होता है भाई, जुगाड़ वाला काम। अब इनके पैर को तो मैंने अलग कर दिया है, अब इसका अब हमारा प्लान है इसको यहाँ से काटने का, इतना 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 सब जगह से काटने के बाद वापस रीबेल्ट कर देंगे हम। ये तो प्यार की लैंग्वेज है यहाँ पे। अब चेयर दिखने में तो मेरे को हाइट तो इसकी बहुत छोटी हो गई अब, ठीक है पर अब इतनी कंफर्टेबल हो गई ना मेरे को, इतनी सही लग रही है, ये देखो आराम से मैं ऐसे बैठ सकता हूँ चेयर पे अंदर लेके, आराम से जो मेरी कोहनियाँ हैं वो आराम से स्टेबल रह सकती है। और ये मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट हाइट है गेमिंग टेबल की, इतनी तो होनी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे जो दोनों कोहनियाँ हैं आराम से स्टेबल रहे चेयर इस पर और तुम आराम से माउस मूव कर सको। चलो इसी बहाने कम से कम मेरे रूम की सफाई भी तो हो गई क्या, नहीं तो मैं सोच रहा था कि साफ़ सफाई ये होली की सफाई तो करनी थी, इसी बहाने रूम की साफ़ सफाई भी हो गई, झाड़ू तो लगा ही दिया, पोछा मैं कल लगा दूँगा क्या, अभी तो अपन सेटअप में वापस से करूँ क्योंकि स्ट्रीम भी तो करनी है मेरे को शाम को। आज हमारे खाने में बना है दाल, और मुझे पहले से पता है कि बनी है बाटी, और अभी मेरे को भूख इतनी लगी नहीं है क्योंकि मैं बाहर से कुछ खा के आ गया था, तो फिलहाल तो मैं चार बाटी। ये है अपना फाइनल सेटअप जो कि अब थोड़ा छोटा हो गया है पर मेरे को बहुत मस्त लग रहा है भाई, कंफर्टेबल बिल्कुल बैठ जाओ। और अब मेरे को लग रहा है टेबल छोटी कर दी ना मैंने तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो अब प्रॉपर दिख रहा है कि पीछे क्या क्या है, पर कोई बात नहीं अब ऐसा नहीं हो 2 दिन बाद मेरा मन करे यार ऊंची टेबल ही अच्छी थी, पर कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइस, इस व्लॉग को यही अंत करते हैं, 3 दिन लग गए इस व्लॉग को फिर बनाने में यार, ऐसे व्लॉग बनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, पर कोई बात नहीं गाइस
अगला व्लॉग जल्दी आ जाएगा इससे, चिंता मत करो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट। बाय बाय, टाटा। वही इसमें ले लिया, इसमें बना लिया, इसमें अपना घर इसमें। अरे अरे, आराम से आराम से, फाइनली। चलो इसने अपना घर तो अडेप्ट कर लिया, अब मेरे रूम को ये ओयो रूम तो नहीं बनाएंगे कम से कम। मतलब ओयो तो रूम बना दिया था इन्होंने मेरे रूम को।